राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज एचआर फार्मिंग यानी हरियाणा खेती में। मैं आपका भाई विजय स्वागत करता हूं वीडियो में। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिर्च की पनीरी या फिर एनीवन कोई सब्जी फसल की पनीरी आप क्रेट के अंदर कैसे तैयार कर सकते हो, उसमें कितना खर्चा आता है, आप कौन कौन से इसमें खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या इसमें कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिर्च के पौधे जो है अभी तैयार है मेरे पास, ये आप देख पा रहे हैं साथियों, बिल्कुल बढ़िया क्रेट तैयार है। और इसकी जो बात करूँ, एक क्रेट में जो है 98 ये जो है पौधे तैयार हैं बिल्कुल। और ये कैसे तैयार किए जाते हैं, इसमें कौन कौन सा खाद लगता है, पूरी जानकारी पूरी A to Z डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है मिर्च की पौध तैयार की गई है और इसको अभी बोए हुए 10 दिन हो चुके हैं साथियों। और पौध का साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज़ हो चुका है। और इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है साथियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको पहले रख देते हैं। अब बात करूँ एक ट्रे की, तो जो एक ट्रे की कीमत है वो 40 रुपये है और आपको जो है थोड़ा अप डाउन करके मिल सकती है, लेकिन एक जो ट्रे है वो 40 रुपये में आपको मिल जाती है। इसमें जो है 98 खन्ने होते हैं साथियों, और 98 खन्नों में जो है 98 आप एनीवन कोई भी सब्जी फसल की पनीरी पौध तैयार कर सकते हो साथियों। इस क्रेट में पौध तैयार करने के क्या फ़ायदे हैं साथियों, एक तो आपका जो बीज है वो ख़राब नहीं होगा, आपका एक एक बीज उगेगा साथियों। अगर कोई छोटा किसान है और उसके पास ज़मीन का अभाव है तो वो कम स्थान में बहुत ज़्यादा और बढ़िया तरीके से पौध तैयार कर सकता है साथियों, कम स्थान पर और बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया इनकम कमा सकता है साथियों। ये इसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। ये जो क्रेट है, मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो है ये 40 रुपये से 45 रुपये की आपको पड़ जाती है, और बीज वगैरह करके इसमें टोटल जो खर्चा आ जाता है वो है 100 रुपये एक क्रेट का आ जाता है साथियों। और अगर पौधे की बिक्री की बात करूँ तो जो इस क्रेट के जो पौधे होते हैं साथियों वो 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक एक पौधा इसका बिक जाता है साथियों। और इसमें कौन कौन सा खाद का प्रयोग किया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है कोकोपिट, जो हमारा कोकोपिट का जो बुरादा होता है उसको लिया गया है, इसी के साथ कैचवा खाद। कैचवा खाद के साथ एनीवन आप थोड़ा बहुत जो है DAP वगैरह ले सकते हो, जिससे जो है पौधे को ज़्यादा ताकत मिली साथियों। और बात करूँ कोकोपिट की, तो करीबन करीबन 10 किलो कोकोपिट में जो है आप 60 क्रेट से लेकर 70 क्रेट तैयार कर सकते हो साथियों। और इन क्रेटों को जो है आप कम से कम 10 से 12 बार तक रिपीट कर सकते हो साथियों, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, मोटे प्लास्टिक की ये क्रेट होती है साथियों। इन क्रेटों में पौध तैयार करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है साथियों, कि जब हम पौध को ज़मीन के अंदर तैयार करते हैं, उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उखाड़ते हैं, तो वो अड़सा जाती है साथियों, तो उसको जो है फिर से ज़मीन के अंदर अपनी जड़ जमाने में और पौधे को ग्रोथ करने में कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है साथियों। लेकिन इन क्रेटों में अगर पौध तैयार हम करते हैं तो साथियों इसका जो पौधा होता है जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं बिल्कुल भी अड़साते नहीं हैं। हम जो है सिंपल तरीके से पौध तैयार करते हैं, वो पौधे क्या है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो अड़सा जाते हैं साथियों, मुरझा जाते हैं, और उनको ग्रोथ लेने में कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है। लेकिन इन पौधों को बिल्कुल भी समय नहीं लगता, ये जो है लगाने के तुरंत बाद ग्रोथ लेनी शुरू कर देते हैं साथियों। सिंपल तरीके से तैयार की हुई पौध जो है उनमें जो है 100% पौधे नहीं लगते, लगभग जो है 70 से 80% पौधे लगते हैं, बाकी जो है ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन करेटों में तैयार किए हुए पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और 100 के 100 पौधे आपके जो है अपने खेत में लगेंगे साथियों, तो इसमें सबसे बेनिफिट ये है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान, जय किसान।